वेलकम टू एजुकेट सॉफ्ट। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्री वेबिनार विद सर्टिफिकेट। आप फ्री वेबिनार अटेंड कर सकते हैं और सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। ओके, ये सबसे पहले मैं लेके आया हूँ भारतीय विद्या पीठ का। इसके बारे में आपको जानकारी तो होगी क्योंकि ये काफ़ी फेमस है, नॉन है इंडिया के अंदर। तो इसके वेबिनार्स अगर आप चाहें तो आप अटेंड कर सकते हैं फ्री में और इसका पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। ओके, मैं इनके इसकी डिटेल अब मैं आपको बताता हूँ कि कब और कहाँ का कैसे कैसे होना है। ये रहे आपकी डिटेल। जो वेबिनार अभी होने हैं, फर्स्ट होना है 11 जुलाई को, सेकेंड ऑफ 18 जुलाई को, थर्ड वीज 24 जुलाई को। 11 जुलाई को जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT का है, इंडस्ट्रियल परस्पेक्टिव। ओके, ये टाइमिंग है 5 to 6:30। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो रजिस्टर कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको कुछ भी नहीं देना, सिर्फ नाम, ईमेल आईडी और अपना एड्रेसेस देना है, डेट्स ऑल। ओके, सेकंड है आपका ब्लॉकचेन टेक्निकल परस्पेक्टिव, ये 18 जुलाई को है, ये भी 5 to 6:30 है, लेकिन रजिस्ट्रेशन फ्री है। ओके, थर्ड है आपका सिंप्लीफाइंग IPR एंड पेटेंट फाइलिंग। ओके, ये 24 जुलाई को, ये भी 5 to 6:30 है। आप इन आपको जिसमें भी रजिस्टर कराना है तो आप इसमें रजिस्टर करा के अटेंड कर सकते हैं और ये लाइव है, आप इसके अंदर क्वेश्चन आंसर भी होंगे। ओके, तो इसके प्रोस्पेक्टस अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसका प्रोस्पेक्टस ये रहे आपका, ये आप उसका प्रोस्पेक्टस है। स्पीकर्स हैं, डे टाइमिंग शेड्यूल्स हैं, ये वेन्यू है आपका, प्रोग्रामिंग शेड्यूल्स है। रजिस्ट्रेशन लिंक आप मैं आपको अभी अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसमें से क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। ये हाइलाइट्स हैं आपके, ठीक है, इस तरह ये सेकंड वन के हाइलाइट्स हैं 18 जुलाई वाले के। ओके, और इसी तरह है आपके ये 24 जुलाई के हाइलाइट्स हैं, फ्राइडे 5 to 6:30। ओके, सिंप्लीफाई IPR एंड पेटेंट फाइलिंग। ओके, वेन्यू, प्रोग्राम शेड्यूल, रजिस्ट्रेशन, हाइलाइट्स। ओके, आप इनके साइट में जाके, मैं आपको इसका लिंक आपको दे दूंगा वेबिनार का, आप इसमें क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हैं इन तीन वेबिनार में से किसी में भी, या किसी एक में भी, या तीनों में, और सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। ओके, ये काफ़ी अच्छे वेबिनार हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट है ये, भारतीय विद्यापीठ इंडिया का। तो आप इसमें पार्टिसिपेट करके अपने आपके रिज्यूमे के लिए भी बेनिफिट है, आप इसको अपने रिज्यूमे में भी दिखा सकते हैं। ओके, थैंक यू।